खाने पर कई बार आपको भोजन नली या सीने में जलन महसूस होती है। कभी कभार ऐसा होना सामान्य बात है, लेकिन अगर आप लगातार इस तरह की जलन महसूस करते हैं तो यह एक गंभीर समस्या हो सकती है। लेकिन घबराइए नहीं, आपकी इस परेशानी का इलाज बेकिंग सोडा में छिपा है। जी हाँ, घर की सफाई, खान पान और सौंदर्य निखारने के लिए फायदेमंद बेकिंग सोडा आपकी इस परेशानी को दूर करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। बेकिंग सोडा में अतिरिक्त एसिड का मुकाबला करने के लिए एक प्रभावी और सामान्य रूप से एंटासिड मौजूद होता है। सोडा का मूल स्वभाव नमक और पानी के गठन से पेट में अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना होता है, जिससे गैस से राहत मिलती है और सीने की जलन दूर होती है। बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से इस समस्या में झट से फायदा होता है। एसिडिटी के कारण होने वाली सीने में जलन के लिए आप बेकिंग सोडा को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है एक चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाकर पी लें, लेकिन ध्यान रहे कि इस उपाय को दिन में 3 बार से ज्यादा ना आजमाएं, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। अब जान लेते हैं इसके इस्तेमाल की विधि क्या है और कैसे आप इसके इस्तेमाल से खत्म कर सकते हैं सीने और खाने की जलन को। बेकिंग सोडा के साथ अदरक का इस्तेमाल भी आपको सीने में जलन से राहत दिलाता है। इसके लिए 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा के साथ साथ आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक मिला लें। इस पेय को पीने के बाद आप जलन से राहत महसूस करेंगे। सीने में जलन को दूर करने के लिए आपने ठंडे दूध के बारे में सुना ही होगा। आप सीने में जलन होने पर 1 गिलास दूध के साथ 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर भी पी सकते हैं। अगर आप लगातार इस समस्या से परेशान हैं, तो आप सोते समय भी इस दूध का सेवन कर सकते हैं। बेकिंग सोडा के साथ नींबू लेने से भी सीने में जलन से राहत मिलती है। समस्या होने पर आधा कप गर्म पानी में कुछ बूंदे नींबू की निचोड़ लें। अब इस गर्म पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर इस घोल को पी लें। बेकिंग सोडा में अत्यधिक मात्रा में सोडियम की मौजूदगी के कारण सोडियम का सेवन कम करने वालों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। नमक और सोडियम की मात्रा अधिक होने के कारण लगातार इन उपायों के प्रयोग से आपको मतली या उल्टी का अनुभव हो सकता है। गर्भावस्था या नवजात शिशु होने पर महिलाओं को बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही 6 साल से कम उम्र के बच्चों को भी बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि गर्मियों में सीने की जलन का क्या इलाज हो सकता है जो आपकी रसोई में ही मौजूद है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए।